पंचामृत परपटी संग्रहणी की यानी आईबीएस की इरिटेबल बाबल सिंड्रोम की एक अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि है। जिन लोगों के पेट में आम ज्यादा बनती हो, जिन लोगों को पाचन शक्ति कमजोर हो, पेट में दर्द रहता हो, जिन लोगों को पतले दस्त होते हो, बार बार लेटिन जाना पड़ता हो, उन सभी लोगों के लिए पंचामृत परपटी विशेष रूप से ज्यादा फायदेमंद होती है। तो आज के इस वीडियो में हम पंचामृत परपटी के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि पंचामृत परपटी के क्या क्या फायदे हैं, किन किन लोगों में उपयोगी है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो पंचामृत परपटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंचामृत परपटी के क्या क्या फायदे हैं। पंचामृत परपटी जो है एक अद्भुत क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। काफी समय से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। यह संग्रहणी की यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि है। यह आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। जिन लोगों को दस्त की शिकायत रहती हो, जिन लोगों को पुराने दस्त हो, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगातार महीनों से दस्त चलते रहते हैं, चिपचिपी लेटन आती रहती है, पतला मल आता रहता है, इस तरह के सभी रोगियों के लिए पंचामृत परपटी एक अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि है। यह आपके मल को बांधने वाली होती है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। कई लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, जिन्हें भोजन देखते ही खाना खाने की इच्छा नहीं होती है और मन नहीं करता है खाना खाने का, उनके लिए भी यह विशेष रूप से उपयोगी होती है। यह आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है और आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है और आपकी खाने की इच्छा को उत्पन्न करने वाली होती है। कई लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें पेट में दर्द बना रहता है, हल्का मीठा पेट में दर्द बना रहता है या खाना खाने के बाद पेट में दर्द उत्पन्न होने लगता है, तो यह उदर शूल को भी शांत करने वाली होती है, यानी पेट के दर्द को शांत करने वाली होती है, पेट के दर्द में यह फायदा पहुंचाने वाली होती है। इसमें ताम्र भस्म होती है और यह विशेष रूप से आपकी यकृत की क्रिया को सुधारने वाली होती है, आपके लिवर फंक्शन को सुधारती है, जिससे आपकी पाचन शक्ति भी ठीक होने लगती है और आपके पेट के दर्द में आराम मिलने लगता है। इसके अलावा इसका विशेष प्रभाव आपकी आंतों पे होता है। यह आपकी आंतों को मजबूती प्रदान करती है, आपकी आंतों को बल प्रदान करने वाली होती है। कई लोग इस तरह के भी होते हैं जिन्हें खाना खाने के बाद एसिडिटी बनती है। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या हो, उनके लिए भी यह विशेष रूप से उपयोगी होती है। यह पित्त शामक होती है, यानी पित्त दोष का भी यह शमन करती है, जिसके कारण से पंचामृत परपटी एसिडिटी यानी अम्ल पित्त के रोगियों के लिए भी विशेष रूप से ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा कई रोगी ऐसे होते हैं जिन्हें दस्त के साथ खून की कमी भी हो जाती है। कई लोगों को खून की कमी रहती है, तो इसमें लोह भस्म भी होती है जो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली होती है, आपके खून को गाढ़ा बनाने वाली होती है। तो जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत रहती हो, उनके लिए भी पंचामृत परपटी विशेष रूप से ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा कई लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें ज्वर के साथ यानी फीवर के साथ दस्त की शिकायत रहती है। आयुर्वेद में इसे ज्वरातिसार कहते हैं, यानी बुखार और दस्त एक साथ हो जाएं, तो उस समय की अवस्था में भी पंचामृत परपटी विशेष रूप से उपयोगी होती है। यह कीटाणुओं का नाश करने वाली होती है, यानी फीवर में जो कीटाणु हो जाते हैं उनका नाश करने वाली होती है और आपके मल को भी बांधने वाली होती है। तो यह फीवर में भी लाभ पहुंचाती है और आपके डायरिया को भी यानी अतिसार को भी कम करने वाली होती है। तो इन सभी परिस्थितियों में पंचामृत परपटी का प्रयोग किया जा सकता है। पंचामृत परपटी का प्रयोग अत्यंत अल्प मात्रा में किया जाता है, यानी 125 मिलीग्राम से लेकर और 250 मिलीग्राम तक की मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। संग्रहणी के मरीजों के लिए इसका प्रयोग मठा के साथ करना और विशेष रूप से भुना हुआ जीरा मिलाकर अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, आधी ग्राम की मात्रा में भुने हुए जीरे का चूर्ण ले लें और 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम की मात्रा में
आप पंचामृत प्रॉपर्टी ले लें और इसका प्रयोग आप मठा के साथ करें तो यह संग्रहणी में, आईबीएस में, अतिसार में आपकी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ज्यादा उपयोगी हो जाती है और आपको विशेष रूप से ज्यादा फायदा करती है। इस तरह से आप इसका प्रयोग दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग आप केवल शहद के साथ भी कर सकते हैं या अन्य आयुर्वेदिक औषधियां मिलाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग अनार के रस के साथ करना भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, पंचामृत प्रॉपर्टी के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक औषधि का सेवन आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।